हेलो दोस्तों, माय नेम इज सत्यम और मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट माय सिटी। तो भी हम पिछले वीडियो में मिथपैट के घर पे गए थे और जो टाइम मशीन है वो भी हमने वापस ला ली है, मतलब वो डोरेमोन ने टाइम मशीन ले चुका है। पर भाई साहब अभी घर पर वापस आते हुए भाई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो अभी डोरेमोन ने भाई साहब कुछ तिकड़म लगाया है और जो अभी मैं डोरेमोन के पीछे ही जा रहा हूँ, पर अभी डोरेमोन किधर गए ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलते हैं आगे और हमें आज तो भाई डोरेमोन के जो पावर्स है वो भी देने हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं घर। यहाँ पे तो पानी भी है तो हमें पानी के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। चल भाई चल, आराम से जा। तो अभी डोरेमोन के जो पावर से, ओ भाई बच गए, इससे ज़्यादा लगा तो नहीं होगा। और भाई साहब बहुत ही दिनों के बाद आया हूँ और मेरे पास खाना भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने ब्रेड ही है। तो इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे जहाँ पे उनकी जगह है। ओ विलेजर भाई कैसे हो, जो हमारा ठाकुर है उसे भी मिलना है। हाँ खुश है ये भी, हमारे विलेज में यार सब लोग खुशी होते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे डालने में डर लगता है क्योंकि ये जो बुचर है वो मेरे घोड़े को मार ना दे तो मैं ये जो हमने टाउन हॉल बना है वहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे खतरा लगता है बुचरों से भाई साहब मार देते हैं ये। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे चलता हूँ और जो मेरा सामान है वो तो मैंने फिशरमैन के घर पर रखा है तो वो भी सामान लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर हाँ ये देख सकते हो मेरा सारा जो सामान है वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से बाहर ही था, अपने घर में अभी तक गया नहीं हूँ। तो अभी पहले अपने घर में जाऊंगा और जो डोरेमोन है उसकी पावर भी दे दूंगा, क्योंकि पावर भाई साहब उसकी जो वो भी वहाँ काफ़ी दिनों से अपने घर में नहीं गया है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। वैसे इस डोरेमोन को मालूम नहीं होगा, यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन जो इन्वेंशन होते हैं। भैया नीचे क्यों देख रहे हैं, शायद इसे पता चल गया क्या क्या हो गया। कुछ नहीं, चल चल ऊपर चल। अभी ये इसे कैसे रास्ते पता चल जाते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद इसके आंखों में एक्सरे इसलिए पता चल गया होगा। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं नीचे। मैंने कहा था स्पेशल जगह है और मैंने एक विलेजर को भी वहाँ के सिक्योरिटी के लिए रखा था। ये देख सकते हो ये भी यहाँ पे आ रहा है। वैसे भाग क्यों रहा है, नहीं भाग नहीं रहा है, उधर चेक कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पूरा स्टोरेज है और यहाँ पे मैंने मेंडिंग रखा हुआ है मेरे पास। मैंने आपको जैसे कहा था मेरे पास 9 मेंडिंग है, यहाँ पे देख सकते हो सारी बुक मेंडिंग की है। तो ठीक है, अभी ये मैंने मेरी जो मेंडिंग है वो अभी तो यूज़ कर ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखे जो डोरेमोन के पावर्स है, आपको नीचे चेस्ट दिख रहा होगा वहाँ पे है। अबे डोरेमोन दूर रह रहे, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब तेरा ही है, मारना नहीं यहाँ। ओके तो अभी ये मुझे खोलना पड़ेगा, ये ऐसे खुलता नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम कर लेता हूँ, इसे तोड़ ही लेता हूँ। मुझे तो ओह नीचे वाला खुल चुका था, अबे इसने ले लिए होंगे। तो ठीक है इसने पावर तो ले लिया। अभी चलते हैं ऊपर और अपना काम करते हैं। उशिमा शमा उशिमा, क्या हुआ, पावर तुमने लिया नहीं है भाई साहब? अभी तो तू यहाँ पे कुछ कर रहा था ना, तुमने चेस खोला था, शायद तुमने पावर लिए होंगे। हशिमा शुमा शिमा शान हशिमा। ओके ठीक है, इसने पावर नहीं लिए भाई साहब। ए विलेजर इधर आ, रुक इधर, रुक इधर, नहीं तूने पावर्स लिए क्या, तुम्हें पावर के बारे में कुछ मालूम भी है? नहीं पावर्स तो मेरे ख्याल से ये ले नहीं सकते। ए भाई भाई, भाई रुक, उसने हम देंगे भाई तेरे पावर। ओ भाई साहब रुक जा रुक जा, मैंने नहीं लिए, मैंने पावर यहीं पे रखे थे, तुम्हारे होंगे यहाँ पे। रुक जा हम ढूंढते, पहले वो अंदर रखो भाई साहब, अंदर रखो यार। ओके तो ठीक है, ये भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसे मैंने पूरा कवर कर लिया था भाई, ये खोदता कौन रहता है यार, ये भाई साहब कौन तोड़ते रहता है मुझे कोई मालूम नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे कोल नहीं था, ये कोल कहाँ से आ गया, ये मैं चेस्ट तोड़ देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। ये डोरेमोन भी बीच में आता रहता है यार, एक तो इसकी मैंने मुझे मालूम नहीं कि किधर गया, मैंने इधर ही रखा था और मैंने फुल सेफ्टी के साथ ये पूरा पैक करके रखा था। ये भाई साहब कोल कौन लगाया गया यहाँ पे, अच्छी बात है हमें तो कोल ही मिल चुका है। तोड़ लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये इतना बड़ा रास्ता। पहले तो भाई मुझे ये बताओ यहाँ पे मेरे चेस्ट, ओ भाई साहब यहाँ से किसने चोरी तो नहीं कर लिया भाई, तुम आज डोरेमोन इधर आ, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे। ये डोरेमोन कितनी तेज़ी के साथ जा रहा है भाई, इसे चेस करते हैं भाई, हम बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके, मालूम नहीं कितने ब्लॉक आगे, पीछे का कुछ दिख नहीं रहा है, आगे का भी कुछ दिख नहीं रहा है। हशमा शमा शमा, अबे यार मैंने उधर कोई चेस नहीं रखा है, मैंने इधर तो मैंने चेस नहीं रखा था, यहाँ पर मैंने चेस नहीं रखा, मुझे मालूम है। ओ इसे लगता है कि इसके पावर इसके अंदर होंगे, शायद हो सकते हैं किसने मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश की होगी। तो नहीं, ये प्रैंक भी इनविजिबल किंगडम कहके कुछ है। और ये क्या है, ये बुक कौन सी है, बुक भाई साहब आजकल बहुत ही आ रहे, इट्स नॉट क्या है ये,
कभी आया था। इट्स नॉट धमकी, ये कौन सी भाषा है? ये ऑब्सीडियन तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें डोरेमोन का पावर चाहिए तो मैप में दिखाई जगह पे पर आ जाना और अकेले आना। डोरेमोन को साथ मत लाना, अगर लाया तो वर्ल्ड खत्म कर दूंगा। द हैकर, भाई पिछला भी हमको हैकर ने दिया था यार। जब से डोरेमोन आया तब से हैकर आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये शायद मेरा दुश्मन है यार डोरेमोन का, ये भी तो मुझे नहीं मालूम। और ये किस शायद आगे ऑब्सीडियन लगे हुए, एक बार इसने कहा है तो तोड़ के देख ही लेता हूँ। ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? ठीक है, इसमें तो कोई है नहीं, ये भी तोड़ लेते हैं। एक चेस्ट मिल, पर यार इसके पास पावर से ये पावर लेके, हाँ उसमें मैप भी था। इनविजिबल, क्या नाम था उसका, इनविजिबल किंगडम। ये क्या होता है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई। ये डोरेमोन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आया ये इनविजिबल किंगडम। भाई डोरेमोन तुम इस जगह को जानते हो क्या? देखो जरा, देखो इस जगह को जानते हो क्या? मैं बुझ जाते ना। ओके, तो ये मुझे कुछ समझ में आ रहा है। इट्स नॉट धमकी, ये धमकी नहीं है तो ये क्या है भाई साहब? वार्निंग है क्या? और शायद ये भी नहीं जानता तो मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बार तोड़ के देख लेता हूँ ऑब्सीडियन के आगे क्या है। एक काम कर लेता हूँ, जो साइड से तोड़ के हो जाता हूँ और देखता हूँ कि ये जो ऑब्सीडियन की दीवार है वो कहाँ तक जाती है। और यहाँ पे कुछ बम बम तो नहीं है ना भाई साहब? ना हमारा जो उसने कहा वर्ल्ड ख़त्म कर दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है अभी। ये तो यहाँ पे पानी में कहीं पे आ चुका हूँ, ऊपर जाके देखते हैं कि ये एंट्रेंस कहाँ पे जाती है। ओके ठीक है, मैं ऊपर तो आ चुका हूँ और मैं कहाँ आ चुका हूँ? ओ ये तो जो अपना जेठालाल है उसका घर मेरे ख्याल से यहाँ पे ही है, वो देख सकते हो आप। तो उसका तो ये काम हो सकता है, मुझे पक्का लग रहा है कि उसी ने किया है, पर उसको मालूम चल भी नहीं सकता। और ये हैकर वाला क्या मामला है उसे नहीं मालूम। और जब से हमने उसे थोड़ा सा बचाया तो वो हमारे ऐसे अच्छा ही है। और ठाकुर साहब है वो भी कह रहा था कि उसने उसकी भी उसने मतलब जेठालाल ने उसकी मदद की थी थोड़ी सी रास्ता बिस्ता बताने में, और जो घर ने उसने बनाया उसमें जेठालाल का भी थोड़ा थोड़ा हाथ है। तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया होगा और उसको रास्ता बता होने का कोई चांस भी नहीं है। और ये क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और चलते अभी घर और देखते हैं कि वहाँ पे जाने की तैयारी करते हो। मैप का लोकेशन मुझे तो मालूम नहीं, बहुत ही दूर लग रहा है क्योंकि हम उसमें अंदर आसपास भी नहीं है। और ये क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ये इनविजिबल क्या कह रहा है? इनविजिबल किंगडम ना, हाँ इनविजिबल किंगडम क्यों नाम है वो भी नहीं मालूम। तो अभी एक काम कर लेता हूँ, घर पे जाता हूँ और फुल आर्मर वेरमर डाल के जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस हैकर को कुछ चाहिए। लगता है वो मेरा दुश्मन है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। मालूम नहीं कुछ भी हो सकता है, या फिर वो डोरेमोन का दुश्मन हो सकता है, या फिर उसने डोरेमोन को लाने से मना किया, मतलब वो डोरेमोन से डरता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर तुम्हारी जो पावर से वो मैं लाके तुम्हें दूंगा, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर में छोड़कर कहाँ भी रह सकते हो। ये देख सकते हो हमारे विलेज में बड़े बड़े घर भाई सब बांध के रखे, तो कहाँ पे भी रह जाओ। तो अभी मैं जाता हूँ, मैं पहले थोड़ा सा सामान मुझे चाहिए होगा, मतलब फुल आर्मर। इस बार मालूम नहीं कि कितना खतरा होने वाला है, तो अभी एक काम कर लेता हूँ कि मेरे पास आर्मर तो ठीक ठाक है पर खाना चाहिए होगा मुझे। एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले नीचे आता हूँ, इसकी मुझे अभी तो ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा बनी रखते हैं। और नीचे देखना पड़ेगा कि ट्राइडेंट है या नहीं, या फिर इसे ही लेके जाएंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइडेंट है, ये इसकी हेल्थ ज़्यादा है तो इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं। और जो हमारा ओरिजिनल नया वाला ट्राइडेंट है वो लेके चलते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ी सी इंचमेंट भी देनी पड़ेगी, और इसको तो भाई बने रहने दो अभी तक, तो अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ वो तो यहाँ पे है, इंचमेंट हमने बनाया है नहीं भाई साहब, मेरे पास तो इंचमेंट रूम है ही नहीं। व्हाट, एक काम कर लेता हूँ, जेठालाल के पास इंचमेंट रूम है तो उसके पास जाके इंचमेंट कर लेता हूँ। लैपिस होना चाहिए वहाँ पे, जा रहा है कोई बात नहीं, हमें मिल जाएगा बाद में। तो भी कहाँ पे, हाँ जेठालाल का घर तो यहाँ पे, तो यहीं पे होगा क्योंकि मैंने पिछली बार जब आया था उसे ढूंढने में तब तो यहीं पे था। ओ भाई जेठालाल, यहाँ पे जेठालाल तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 ही है। मेरे पास बुक सेल्फ होनी चाहिए थी, होती अभी। ये डोरेमोन किसी की भी चेस्ट खोलता रहता है यहाँ पे तो। ओ भाई डायमंड भी है, मैं आर्मर कर लूँ क्या? नहीं कोई बात नहीं, आर्मर नहीं करते, फिर से वो भाड़ने के लिए आ जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 9 है, 10 11 12 13 14 15 ये भी, और ये हम एक जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो भी लगा देंगे। तो भी यहाँ पे इंचेंट कर लेते हैं, हमारा लॉयल्टी आ जाए तो अच्छा है। रैपटाइट आ गया, तो अभी चलता हूँ। और जो मेरा सामान, मुझे सामान नहीं खाना लेना है और जो परमिशन भी लेनी है।
मतलब यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ, तो शायद उसने बुरा लग सकता है, तो मैं उसे कह दूंगा कि भाई मैं अगली बार काम कर लूंगा। तो यहाँ पे होना चाहिए भाई, किधर आ गया मैं? ओ देखो, ये देखो भाई साहब, ये खेत खेत में ही काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आर्मर है, ये मैं लेके जाता हूँ, अगर देखना पड़ेगा कि इनके पास हेल्थ है भी या नहीं। अच्छी खासी हेल्थ है यार, और इंचेंटमेंट कुछ नहीं, अच्छी ठीक है, वही ले लेता हूँ। इसमें होना चाहिए अभी, हाँ इसमें है। ये क्या है भाई साहब? पम्पकिन पाई भी है, ये भी ले जाएंगे थोड़ा सा, इसको भी चाहिए होगा, और ये भी थोड़ा सा ले जाएंगे। और पोटैटो मेरे फेवरेट है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो लूँगा। तो ठीक है, हमारे पास घोड़ा तो है, इसको आर्मर तो कोई पहनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने दूर हमें ये। तो ठीक है, अभी मैं जाता हूँ और इसको थोड़ा दूर ही रखने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैं खतरे में नहीं डालना चाहता। और अभी मालूम नहीं कितना दूर जाना है, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, हाँ ये देख सकते हो यहाँ पे जाना है। और भाई साहब बहुत ही दूर लग रहा है, क्योंकि मेरे घर के आसपास मुझे मालूम नहीं कि कहाँ समुंदर है या फिर ये क्या होने वाला है। भाई चल ना बे, भाई चल। तो अभी वहाँ पे पहुँच कर ही मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी सफ़र होने वाला है, मालूम नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो मिलते हैं तब तक, शायद आज के लिए बस भाई साहब बहुत हो चुका है, ये वीडियो भी बहुत लंबी मेरे ख्याल से बन चुकी होगी। तो अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ और सीधा आपको वहाँ पे जाकर ही मिलता हूँ, और देखेंगे कि भाई साहब क्या होने वाला है, अगला वीडियो एडवेंचरस भी हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।